love the chase and the hunt. What's up guys, a very good morning. कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग. तो अभी टाइम हो रहा है कुछ मॉर्निंग का 10, और भाई साहब वेदर देख रहे हो, फाइनली मानसून इज हेयर. बड़ा जल्दी है यार, अब थोड़ी तो राहत बनती है. बैक टू बैक दो दिन से बारिश होने से मौसम बहुत अच्छा हो गया, और अभी तो बहुत तेज़ बादल भी हैं, कभी भी बारिश हो सकती है. और मैंने गलती कर दी, मैं रेनकोट नहीं लाया. तो अभी मैं जा रहा हूँ, बाइक का कुछ काम बच गया था. हाँ जी, बच गया था, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने जो बेवकूफ़ी की वो मैं डिटेल में बताऊँगा. तो लास्ट ब्लॉग पे मैंने सर्विस कराई थी इसकी लास्ट वीकेंड, और तो उस टाइम पे इंजन ऑयल चेंज नहीं हो पाया, और दूसरा इसका क्लच वायर सर्विस सेंटर पे स्टॉक में नहीं था, तो उसका क्लच वायर चेंज नहीं हुआ. क्लच वायर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है. तो अभी आज के दो मेजर काम है, इंजन ऑयल चेंज और दूसरा क्लच वायर चेंज. क्योंकि एक राइड प्लान कर रहे हैं, होपफुली इस बार सक्सेसफुल हो जाए ये राइड, तो क्या कहने. और सर्विस सेंटर में मेजर काम हुआ इस बार बाइक पे. मेजर ऐसे हमारे बजाज का मेजर भी ज़्यादा महंगा नहीं होता. मेजर में इसका चैन पॉकेट चेंज हुआ, पूरा सेट 28,000 समथिंग पे चेंज हुआ है. समझ रहे हो मैंने कितना मेंटेन करा है अपने चैन सेट को. और बाकी रियर ब्रेक पैड्स पड़े थे, सॉरी फ्रंट ब्रेक पैड्स पड़े थे, और बाकी एक दो छोटा मोटा काम. बाकी लेबर चार्ज बिल बना था 3,114, उनको हिंदी समझ नहीं आई, उनके लिए 3,114 रुपीज़ ओनली. ये मेजर सर्विस का चार्ज है, माइनर तो 100-200 रुपये भी गया है इसका, बताया मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में. प्राउडली इंडियन, ईजी टू मेंटेन. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So engine oil, तो जिसने मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं तो पता होगा, इंजन ऑयल में डालता हूँ मोतूल. तो इंजन ऑयल तो इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि सर्विस सेंटर तो मोतूल रखता नहीं है. मोतूल मुझे बाहर से लेना था, पर बाहर जो शॉप थी उस पर मिला नहीं, तो मैंने सोचा फिर कभी करा देंगे. और बाकी क्लच वायरिंग में भी वहीं जाना ही है. सर्विस सेंटर के पास में ही शॉप है रामा ऑटोमोबाइल्स, वहीं से मैं अपना ऑयल वगैरह खरीदता हूँ. तो अगर क्लच वायर मिल जाएगा तो उन्हीं से चेंज करा दें, क्योंकि सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. और आज तो सैटरडे है, सर्विस सेंटर बंद रहता है सैटरडे. मोतूल सेवेंटी 710W50, 1.5 लीटर में चाहिए. 1.5, तो यार बैड न्यूज़, 10W50 मिला नहीं रामा ऑटोमोबाइल से. लास्ट 2-3 बार जब भी चेंज कराया यहीं से लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद थी मिल जाएगा. तो अभी मुझे जाना पड़ेगा तुर्रावनगर, और उधर प्रॉब्लम एक ही है कि बहुत ट्रैफिक होगा. बाकी तो पास में ही है, बट पास में बहुत टाइम लगने वाला है. तो यार क्लच वायर तो चेंज हो गया, लेकिन इंजन ऑयल यहाँ भी नहीं मिला. दो शॉप्स थी, दोनों पे नहीं मिला, बट उन्होंने बोला एक दो दिन में आ जाएगा. रामा वाले ने तो साफ बना दिया था, कह रहा कोई पता नहीं कब आएगा. वो कैस्ट्रॉल का पीछे पड़ा हुआ था, पता नहीं यार कैस्ट्रॉल का क्या परफॉर्मेंस है. अभी मोतूल का क्या है, ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया है, तो मोतूल समझ आता है. अरे शिट यार, मुझे पंचर रिपेयर किट लेनी थी, मैं भूल गया. कोई नहीं, अभी ऑयल बोले कल आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 1.5 लीटर में. एक्चुअली ग्रेड 7100 नहीं थी इनके पास.
एक क्लच वायर पड़ा मुझे 100 रुपये का, बजाज का नहीं है, कोई और ब्रांड था, और 20 रुपये इंस्टॉलेशन के। चलो यार घर पहुँचते हैं, फिर सर्विस इनवॉइस के बारे में बात करते हैं। बाइक के साथ साथ मेरी भी ब्रेक लग गई, वो सामने आ गए। Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way. ठीक है भैया, चलो भाई ऑयल हो गया चेंज, फाइनली वो कहावत सिद्ध हो गई, बगल में बच्चा नगर में ढिंढोरा, मुझे अपने घर के पास ही मिल गया ऑयल। पर मोतूल की ऊपर से सप्लाई रुकी हुई है, इसलिए कॉस्ट और बढ़ गई। आज 1.5 लीटर का कैन मुझे पड़ा 1250 रुपये का, बस 30 रुपये चेंज कराने के, 1280। और गाइस तो फाइनली पहुंच गया घर, और दिस टाइम आई एम यूजिंग एन एक्सटर्नल माइक, क्योंकि इस रूम में मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है बट आवाज़ बहुत ज़्यादा इको करती है, तो आई होप इस टाइम आवाज़ थोड़ी बेटर होगी। अभी ना हवा के फ्रेश हो गए हैं, बट अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह मौसम जितना अच्छा ही था, अभी उतनी तेज़ धूप निकल के मौसम की पूरी लग गई है। वापस से हम वहीं पहुँच गए जहाँ 2 दिन पहले थे, 2 दिन की बारिश बेअसर हो गई है। तो सारा काम हो गया आज का, इंजन ऑयल चेंज हो गया, क्लच वायर चेंज कराना था वो भी हो गया, और प्लस जो सर्विस मैंने लास्ट वीकेंड कराई थी जिसका ब्लॉग मैंने करप्ट कर दिया, उसमें किसी भी वीडियो क्लिप में ऑडियो नहीं आई। और उसका रीज़न था, उसका जो TRS to TRRS जो कनेक्टर लगता है अलग से, मैंने वो नहीं लगाया। मैं पता नहीं कौन से सेंस में था, मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मैंने वो लगाया ही नहीं, और जो माइक था वो डायरेक्ट GoPro का जो माइक अडेप्टर होता है उसमें लगा दिया, इसलिए कोई भी ऑडियो नहीं आई किसी भी क्लिप में। उसका मेजर काम हुआ जैसे मैंने बताया था, उसमें मेजर में तो एक चेंज पॉकेट सेट था और प्लस ब्रेक पैड्स, बाकी छोटा मोटा कोई क्लच लीवर का टॉर्सन स्प्रिंग एंड कपलिंग रबर, अभी मुझे आइडिया नहीं है कपलिंग रबर क्या होता है, ये चेंज हुआ और बाकी सारा लेवर है। तो जो पार्ट्स की कॉस्ट आई वो थी 2268 रुपीज़, और जो लेवर थी वो थी 844 रुपीज़ 0.88 पैसे। सो जो टोटल बिल बना वो था 3114 रुपीज़। अगर टोटल सर्विस की, इस सर्विस की कॉस्ट की बात करें तो टोटल हुआ 4500, अगर सारे हम फिगर राउंड ऑफ कर देते हैं 3100 रुपये, लाइक 3100 प्लस 1300 फॉर ऑयल विद लेवर ऑयल चेंज जो आज कराया, प्लस 100 रुपीज़ क्लच वायर, सो टोटल इज 4500। सो 4500 में हो गई मेजर सर्विस। ऑयल वही सेम जो मैं पहले डलाता था, मोतूल 10W50, तो ऑयल वही सेम। बाकी अभी इस पर हर बार जितनी बार चलाता हूँ हर बार 100 रुपये इंक्रीज हो जाते हैं, इस बार भी 100 रुपये बढ़ गए। क्योंकि तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत दिनों से कुछ पोस्ट नहीं हुआ था चैनल पे, लिए उसके लिए दिल से सॉरी। एक ब्लॉग बनाया भी था वो, उसमें ऑडियो नहीं आई, तो इस वजह से लास्ट वीकेंड भी कोई ब्लॉग नहीं आ पाया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी अगर और कोई डिटेल चाहिए सर्विस से रिलेटेड या किसी भी बाइक के पार्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैं 6-7 सर्विस करा चुका हूँ और मोस्टली जो भी मेंटेनेंस के पार्ट्स होते हैं वो मोस्टली सारे चेंज हो चुके हैं एक एक करके, तो किसी भी चीज़ की प्राइस जानना है या कोई भी इंक्वायरी है पल्सर 220 से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में नीचे कर सकते हैं, और बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है नीचे स्क्रीन पे। हैं फिर से किसी एक नए ब्लॉग में, और हाँ एक और राइडिंग एक्सेसरीज आई है मेरी, ये दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। वैसे मैंने अनबॉक्स होकर लिए, ऊपर से फाड़ा मैंने पूरा, अंदर का पैकेट नहीं फाड़ा, ऊपर से खोल के मैंने देख लिया था कि पैकेज सही है या नहीं है। मैं पैकिंग देख रहा था, अंदर लाइक होता ना कभी कभार क्रम्बल हो जाता है, तो मैं बस वो देख रहा था पैकेज क्रम्बल ना हुआ हो, इसके लिए मैंने खोला था। बाकी दिखाएंगे डिटेल, एक डिटेल ब्लॉग बनाएंगे इस पर भी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर से ऐसी किसी नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।